सर, अभी तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी वे सभी दिव्यांग पुरुष ही थे जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया और वो दिव्यता हासिल की कि सभी के लिए मिसाल बन गए। पर सर, भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदैव से अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण रही है। परिवार और समाज की धुरी है, केंद्र बिंदु है। नारी ने एक ओर एक कुशल गृहिणी बनकर परिवार संभाला तो वहीं दूसरी ओर समय पड़ने पर उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। वैसे तो भारतीय इतिहास में कई महान वीर योद्धा नारियां हुई हैं, जिनका की नाम आज भी सूर्य की भांति चमक रहा है। पर क्या कोई नारी दिव्यांग या विकलांगता को पीछे छोड़कर खुद युद्ध के मैदान में पहुंची है, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित किया हो तो बताइए। बिल्कुल, जैसे पुरुष थे वैसे महिलाएं भी थी। मुझे आप ये बताएं कि आद्य देवी जो है, देवियां जो है, किसी भी एक देवी को माँ सरस्वती को छोड़कर आपने बिना शस्त्र के देखा है? नहीं। मुझे ये बात बताएं कि जब महादेव तांडव नाचते हैं तो किस तरह का धुन होता है? दमट 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 दमन निनार वर दमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनो तु नाशिव शिव धीमित 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 मृदंग तुंग मंगल प्रचंड तांडव शिव ध्वनिक्रमा प्रवर्तित। इस तरह का आता ना, धीमे धीमे धीरे धीरे मृदंग बज रहा है और धीरे धीरे धुन बज रही है और तांडव शिव कर रहे हैं। वही कभी आपने आइग्री नंदिनी या माँ दुर्गा का सूत्र अगर सुना हो तो किस तरह का आता है? निज भुज दंड विखंडित मुंड विश्रुंडित टुंतुंड भटाधिपते, मतलब अपने ही हाथ से हाथियों का सर फोड़ रही है, भुजाएं उखाड़ रही है, सर तोड़ रही है, इस तरह का आता है। तो अगर आप युद्ध क्षेत्र में देखें तो हमारे यहाँ तो देवियों का प्रकोप ज्यादा रहा है जी। महादेव को लेटना पड़ा माँ काली को रोकने के लिए। अच्छा, राम जी क्यों चले गए थे वनवास? क्योंकि किसी समय माँ कैकेयी ने दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा रहे, सूर्यवंशी, बड़े प्रतापी, वो जब युद्ध में हारने लगे तो उनके सारथी बन उन्हें युद्ध से बचा कर ले आई थी, वापस किया था ना जी। बिल्कुल। तो खुश होकर दशरथ बोले थे कि तीन बार मांग लेना जब चाहिए जी। तो शत्राणी रही होंगी वैसी जो कि दशरथ को बचा लाई थी जी। वैसे ही अगर आप विदुषियों में सुने तो ये कहानी आपने सुना होगा कि राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ रचा गया जहाँ की राजा जनक ने बोला कि 1000 गायें दूंगा, हर एक गाय के जो सींग थे वो सोने से मड़े हुए थे। तो तरह तरह के शास्त्रार्थी आए। याग्रमल कुछ समय का सबसे प्रवीण हुआ करता था, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण। तो वो आया, दिन के दोपहर हो रहा था, तो अपने शिष्यों को बोल दिया कि गायें यहाँ पसीने पसीने हो रही थी, एक काम करो इन्हें हाँक ले जाओ, शास्त्रार्थ तो मैं पीछे जीत लूंगा। और वो जीतता भी चला गया जब तक गार्गी सामने नहीं खड़ी हुई। गार्गी, उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जैसे उन गायों को पसीना छूट रहा था वैसे याग्रमर को पसीना छूटा, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। तो विदुषी भी रही हैं, गार्गी हो, लोपामुद्रा हो। लोपामुद्रा के बारे में तो ऐसे बोलते हैं कि पेड़ के नीचे बैठ के वो बता देंगे कितने पत्ते हैं उस पेड़ के अंदर। गणित ऐसा था उनका, उनका ऐसा गणित था ना, भास्कराचार्य की पुत्री थी वो, तो ऐसा बता देती थी वो गणित। अगर आप दिव्यांग महिलाओं में बात करें तो रानी विश्पला रही हमारी। ऋग्वेद में वर्णन की गई है कि एक, बिल्कुल, एक फियर्स वॉरियर, यानी कि एक शत्राणी, एक योद्धा थी जो कि कई कई अक्षौणी सेना पर भारी पड़ती थी, लेकिन एक युद्ध में उनका पैर कटा और वापिस आई। बड़ा अफसोस दिखाया, पर अश्विनी कुमार, दोनों राजवैद्य हो ना, देवों के वैद्य हुए अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार आए और उन्हें एक नकली पैर लगाया, बिल्कुल सही तरीके से लगाया और वापस वो घोड़े पे जाकर वापस युद्ध में लग गई रानी विश्वला। ऋग्वेद में वर्णन है जी। तो दिव्यांगों में रानी विश्वला बिल्कुल है, जिनका की वर्णन है।